हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस ड्राइंग वीडियो में हम बनाने वाले हैं भुवन बम को। तो उनकी एक सीरीज आने वाली है डिनोरा, तो उसी में से हम एक करेक्टर चूज करने वाले हैं। तो मैंने सोचा है कि ना हम फादर का करेक्टर बनाएं, क्योंकि वो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हंसी दिलाते हैं, एक अपने आप में एक काफ़ी अच्छा करेक्टर है वो। तो उसी को मैं सोच रहा हूँ ड्रा किया जाए, और इस ड्राइंग को मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वाटर कलर से किया जाए। तो इसमें हम जो हेयर्स है उसको थोड़ा सा अलग तरीके से अलग कलर्स में ड्रा करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर रेड और ब्लू का मिक्सचर यूज़ करके एक अलग ही क्रिएशन देने ये सोच रहा हूँ। तो थोड़ा सा इसमें हटके करेंगे, थोड़ा सा आर्टिस्टिक लेवल, और देखते हैं कि आर्टिस्टिक लेवल में मैं मतलब कि जो फेस के प्रोपोर्शन होते हैं, जो शेड्स होते हैं, जिससे वैल्यूज अचीव किया जाता है कलर से, जब अलग अलग कलर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वैल्यूज़ का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन देना पड़ता है, जिससे फेस 3D लुक में आए। जैसे कि मेरा यहाँ पर ये फेस है, यहाँ पर जो शेडो पड़ रही है, इससे यहाँ पर शेडो होने के बावजूद भी एक क्रिएट हो रहा है कि हाँ ये फेस है। तो जब हम कलर चेंज करते हैं, जैसे कि फेस के कलर चेंज हो जाते हैं रेड लाइट में, ब्लू लाइट में, तो वहाँ पर भी फेस से पता चलता है, वो वैल्यूज से पता चलता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वैल्यूज़ का क्रिएशन को यूज़ करेंगे और चेक करेंगे किस तरीके से वैल्यूज़ को बनाए रखते हुए भी कलर को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वाटर कलर रहेगा, तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि फेस ऑरेंज कलर से शेड किया जाए, ऑरेंज और रेड का यूज़ करके, और जो हेयर्स रहेंगे वो यहाँ पर ब्लू और रेड का यूज़ करके, और बाद में फिर ऊपर से हम ब्लैक में जो थोड़े से शेड रहेंगे वो कर दिए जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग्स में काम नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा सा एक रफ स्केच में बनाएंगे वाटर कलर, जिससे कि वैल्यूज़ की स्टडी हो सकें। तो देखते हैं कि ड्राइंग किस तरीके से बनती है और फिर आगे बात करेंगे।
हाँ तो गाइस यहाँ पर हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये पसंद आई हो। और थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक ही हुई है कि जो राइट साइड में जो चीक है वो उसमें थोड़ा सा डार्क कलर और होना था, तो मैंने यहाँ पर कम किया है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमने ब्लैक कलर दे दिया था। अगर उसमें हम वाटर कलर चलाते तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो जाता, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर मैंने उसको रोक दिया। और आप अपने हिसाब से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये ड्राइंग कैसी लगी, मतलब कितनी परसेंट मैच हो रही है, जिससे मैं आगे इम्प्रूव कर सकूँ और आगे आपको और समझाने की कोशिश कर सकूँ। तो आप अपने रिव्यू ज़रूर बताया करिए। और मैं इस टाइम इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन रहता हूँ, तो मैं वहाँ पर आपके आसानी से जवाब दे सकता हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और चैनल में जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा।